नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। 13 राज्यों की 32 सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना मंगलवार सुबह 8 बजे से हुई शुरू। 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच काउंटिंग जारी। ग्लासगो में वर्ल्ड लीडर समिट ऑफ COP26, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइफ मंत्र LIEF यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, कहा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पेरिस घोषणा पत्र की प्रतिबद्धताओं को अक्षरशः पूरा कर रहा है भारत। केरल से राहत भरी खबर, सोमवार को सामने आए 5,297 मामले, 78 लोगों की हुई मौत। इस अवधि में 7,325 लोग संक्रमण मुक्त भी हुए। चीन की राजधानी बीजिंग में COVID-19 के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने सोमवार को यहां नियमों को सख्त किया। देश के दूसरे हिस्सों की यात्रा पर गए और वहां पर संक्रमण के मामले बढ़ने पर वापसी की यात्रा रद्द करने को कहा। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने साधा अपनी सरकार पर परोक्ष रूप से निशाना, कहा नेता चुनाव से पहले जनता को लॉलीपॉप देकर लुभाते हैं। मुख्यमंत्री ने चन्नी ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के साथ ही घरेलू क्षेत्र के लिए बिजली शुल्क की दर 3 रुपए प्रति यूनिट कम करने की घोषणा की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साधा अखिलेश यादव पर निशाना, कहा जिन्नावादी राम भक्तों पर गोलियां चलवाया करते थे, लेकिन भाजपा ने शासन में निर्दोष नागरिकों को नुकसान पहुंचाने वालों को निशाना बनाया गया। अखिलेश ने जिन्ना को लेकर दिया था बयान। सीबीआई ने यूपी में 15,000 करोड़ रुपए की बाइट बोर्ड घोटाले की जांच अपने हाथ में ली। करीब 2 लाख निवेशकों में प्रत्येक से 62,100 रुपए की ठगी की गई। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 के लेवल 1 और लेवल 2 की परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। ईडी ने 12 घंटे की पूछताछ के बाद देर रात महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया। 100 करोड़ की वसूली मामले में हुई देशमुख की गिरफ्तारी। पेट्रोल पर फिर महंगाई की मार, 35 पैसे हुआ महंगा, दिल्ली में 110 रुपए पार, मुंबई में पेट्रोल 115 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर हुए था। यह थे फटाफट बुलेटिन। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और विजिट कीजिए webdunia.com। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।